हे गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो रोनाल्डो को, वो भी बहुत ही ईजी और सिंपल मेथड को यूज़ करके। तो शुरू हो जाइए मेरे साथ ड्रॉ करने के लिए एंड स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो बिना टाइम वेस्ट करते हुए। ओके गाइज, शुरू करते हैं हम लोग ड्रॉ करना। एंड सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। मैंने यहाँ पे 9 सेंटीमीटर का एक बॉक्स ड्रॉ किया है जिसे मैं 3-3 सेंटीमीटर पर डिवाइड करने वाला हूँ, यानी कि मैं एक 3x3 का ग्रिड ड्रॉ करने वाला हूँ यहाँ पे कुछ इस तरह से। एंड सेम आपको भी कुछ इसी तरह से ड्रॉ करना है, आपको एक ग्रिड ड्रॉ करना है 3x3 का। तो इस ग्रिड का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कर सकते हो, बट मेक श्योर ये ग्रिड आपका जो है वो स्क्वायर रहे हो, बॉक्सेस सारे आपके स्क्वायर हों। आप चाहो तो इसको 12 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर का भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम आउटलाइंस की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग रेफरेंस को फॉलो करेंगे, जैसा मैंने यहाँ पे दिखा रखा है रेफरेंस में, सेम आपको भी उसी तरह से रेफरेंस को फॉलो करना है। एंड मेरे साथ ड्रॉ करने की कोशिश करिए जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, हर बॉक्स में कौन सी लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी है, तो आप मेरे को देख कर फॉलो करिए। एंड सेम हम इसी तरह से हम अपने फेस की जो आउटलाइंस है उसको पूरा कम्प्लीट करेंगे। तो बढ़ते हैं अब हेयर्स की तरफ। एंड अभी फ़िलहाल मैं सेम वैसे ही टेक्निक को फॉलो कर रहा हूँ, रेफरेंस को फॉलो कर रहा हूँ एंड उसी के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर रहा हूँ। बट जो हमारे ऊपर वाले हेयर्स हैं वो थोड़ा सा हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे बिना कोई गाइडलाइंस के। तो मैं मेज़र कर ले रहा हूँ एक रफ आइडिया लेके, हमारे जो नीचे वाले बॉक्स है उससे कितना दूरी पर हमें ड्रॉ करना है एंड फिर मैं उसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये एक रफ आइडिया है, बाद में हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, सो डोंट वरी अगर आप मिस्टेक्स कर दो यहाँ पे। तो अब बढ़ते हैं हम लोग आइज़ की तरफ। एंड आइज़ जो है हमारे फर्स्ट रो में सेकंड बॉक्स में ड्रॉ होंगी। एंड आइज़ को ड्रॉ करने के लिए मैं वही चीज़ मेजर कर ले रहा हूँ, पहले आइज़ हमारी कितनी छोटी या कितनी हमें बड़ी ड्रॉ करनी है, कितनी हाइट पे ड्रॉ करनी है बॉक्स के अंदर। एंड ये सब चीज़ें जब मैं मेजर कर ले रहा हूँ, जब मैं कॉन्फिडेंट हूँ, तब मैं उसके बाद आइज़ को ड्रॉ करना स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड पेशेंस के साथ आप भी ड्रॉ करिए एंड फॉलो करिए इस वीडियो को, देन डेफिनेटली आप भी ड्रॉ कर पाओगे सेम मेरी तरह। ओके, तो दूसरी आई भी हम ऐसे ही ड्रॉ कर लेंगे, मेजर कर लेंगे पहले अच्छे से। एंड जब हम कॉन्फिडेंट हो कि हमारी आईज इतने डिस्टेंस पे इस प्लेस पे आनी चाहिए, तब हम उसको ड्रॉ करना शुरू करेंगे। एंड आप स्टार्ट में बॉक्स की शेप में ड्रॉ कर सकते हो आईज़ को, फिर आप उसको शेप देना स्टार्ट कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा ईजी हो जाता है डायरेक्ट आईज़ की शेप को ड्रॉ करने से। एंड सेम हम आईब्रोज़ भी वैसे ही ड्रॉ कर लेंगे आईज़ के ऊपर। ओके, तो अब नोज़ की तरफ बढ़ते हैं। एंड नोज़ जो है हमारे इस फर्स्ट रो में और सेकंड रो में सेकंड बॉक्स में इसमें आएंगी। तो जो सेंटर लाइन है हमारे फर्स्ट सेकंड बॉक्स और थर्ड बॉक्स की, उससे मैं मेज़र कर ले रहा हूँ कि कितने दूरी पे ड्रॉ करना है दोनों को एंड कितना डिस्टेंस रहेगा दोनों के बीच में, उससे मैं मेज़र कर ले रहा हूँ। एंड फिर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ नोज़ को हमारी।
ऑब्लिप्स को ड्रॉ करते हैं एंड जो अभी तक हमने करते आए हैं मेज़र किया एंड फिर उसके बाद ड्रॉ किया, सेम हम लिप्स में भी वही करेंगे। पहले हम अच्छे से मेज़र कर लेंगे कहाँ पे हमारे लिप्स जाएंगे एंड एक रफ़ लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उसके वो फेयर आउट करेंगे। तो डायरेक्ट डार्क लाइन्स मत ड्रॉ करिए आप, पहले रफ़ एक हल्की सी लाइट लाइन यू ड्रॉ करिए, फिर जब आपको लगे कि हाँ बिल्कुल ये सही है देन उसके बाद उसको डार्क करना शुरू करिए। तो अगर आप स्टार्टिंग में ही डार्क करोगे तो हो सकता है बाद में आपको इरेज करना पड़े वो, और फिर आपको दिक्कत हो इरेज करने में, तो इसलिए आप लाइट लाइन्स ड्रॉ करिए पहले एंड फिर उसको डार्क करिए। ओके, तो बढ़ते हैं अब नीचे वाले हिस्से की तरफ, नेक और हमारे क्लोथ्स की तरफ। एंड अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक रफ़ आइडिया लेके ड्रॉ करने वाला हूँ, मेज़र करके ड्रॉ करने वाला हूँ। सेम हम लोग करेंगे, हम लोग अपने ऊपर वाले बॉक्स से मेज़र कर लेंगे कितनी डिस्टेंस पे हमें ड्रॉ करना है। ओके, तो ऑलमोस्ट हमारी ड्राइंग जो है कंप्लीट हो गई है। इसमें अभी कुछ मिस्टेक्स हैं बिकॉज़ ये अभी भी काफ़ी हद तक रोनाल्डो की तरह नहीं लग रहा है, तो अब हम लोग वो मिस्टेक्स को पूरा करेंगे, मतलब उन्हें दोबारा से ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे एंड इस रेफरेंस जो हमारी हमने ड्राइंग ड्रॉ करी है उसको मैच करने की कोशिश करेंगे रेफरेंस इमेज से। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसे फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं एंड मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है इसे फिक्स करने की, और अब ये काफ़ी हद तक रोनाल्डो की पिक्चर से जो मैच कर रही है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग फिलहाल इस ड्राइंग को इतना ही रखेंगे, आउटलाइन से ही ड्रॉ करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे शेडिंग के ऊपर। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन रखिएगा सो दैट मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ड्राइंग।